ये कहानी है उस देश के जंगल की, जिस देश ने अपनी टाइगर पॉपुलेशन को पिछले 12 साल में 3 गुना कर लिया है। और ये पॉसिबल हो पाया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट विलेजर कम्युनिटीज के कड़े एफर्ट्स की वजह से। ये वाइल्ड लाइफ फिल्म हमारे फ्रेंडली नेबर कंट्री नेपाल के बहुत ही अनटच्ड और डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना से भरपूर जंगल की है। इंडिया के कुछ अमेजिंग नेशनल पार्क्स घूमने के बाद हमारा वाइल्ड लाइफ के लिए प्यार काफ़ी बढ़ गया है और हम वाइल्ड लाइफ लवर्स के एक व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स भी हैं। उसी ग्रुप के एक मेंबर है मिस्टर आशीष, वो बर्दिया नेशनल पार्क की काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स शेयर करते रहते थे, तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट बनाया एंड उनकी हेल्प से वहाँ बुकिंग्स करवा ली। फिर हमने अपना प्लान बनाया, बैग्स पैक किए और पहुंच गए लखनऊ, जहां हम अपने मॉम डैड के साथ जंगल एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो गए। लखनऊ से बर्दिया का डिस्टेंस है अराउंड 290 किलोमीटर। हम बहराइच होते हुए रुपईडीहा पहुंचे, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। सुबह सुबह हमने डिसाइड किया जल्दी निकलने के लिए, ताकि हम दोपहर तक पहुंचकर एक सफारी ले सकें। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी और रास्ते में बहुत फॉग मिला, जिसकी वजह से हम स्लो चल रहे थे और थोड़ा लेट भी हो गया था। रुपईडीहा क्रॉस करते ही हमें नेपाल बॉर्डर दिखने लगा। ये छोटा सा गेट हम दोनों कंट्रीज को डिवाइड करता है। हम अब नेपाल में एंटर कर चुके हैं और अब हम इंतजार कर रहे थे मिस्टर आशीष का, जो हमें बॉर्डर एंट्रेंस पे मिलने वाले थे। नेपाल में घुसने के लिए आरटीओ परमिट के चार्जेस हैं 500 नेपालीज रुपीस, जो कि 311 INR होते हैं। ये आपको वन टाइम लगेगा और फिर आपकी व्हीकल का 500 नेपालीज रुपीस लगेगा पर डे, जिसको भंसार बोलते हैं। और वो मंदिर देख रहे हैं आप, वो बांके नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट है। अच्छा। एक गेट यहाँ से भी, कोई सफारी में जाना चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं। और ये रोड जो सीधा जा रहा है, ये सुरखेत, जुमला, हुमला, रारा, रारा नेशनल पार्क, रारा लेक होते हुए ये मानसरोवर जाने वाली रोड है। और इसके एक तरफ बर्दिया नेशनल पार्क है, एक तरफ बांके नेशनल पार्क है। इस रोड में भी टाइगर साइटिंग होती है सुबह शाम। अच्छा, कुल नेपाल में कुल कितने टाइगर हैं? अभी लेटेस्ट काउंट में 355 प्लस एडल्ट्स है हमारे पास। छोटे थ्री इयर्स एबो वाले 355 प्लस। हमारी एंट्री बहुत स्मूथली हो गई थी क्योंकि मिस्टर आशीष हमारे साथ थे। बातें करते करते हम पहुंच गए जंगल के एंट्री चेक पोस्ट पर, जहां से आपको एग्जिट चेक पोस्ट पर विद इन हाफ एन आवर पहुंचना होता है। इस हाईवे पर कार्स, बाइक्स कॉन्वॉय में चलते हैं, क्योंकि यहां वाइल्ड लाइफ मूवमेंट रहता है और यहां पर एक टाइगर अटैक भी हो चुका है। उसके बाद से गवर्नमेंट कॉन्वॉय चलाती है। स्पेशल परमिशन की वजह से हम कॉन्वॉय में नहीं गए थे। बीच में बवई ब्रिज पड़ता है और यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर व्यूज दिखेंगे। आशीष जी ने मछलियों के लिए खाना डाला और आप देख सकते हैं कि कैसे फिशेस खाने पे टूट पड़ी हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश है, इसे कहते हैं हिमालयन महाशीर। पुल की दूसरी तरफ हमें कुछ क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स दिखे जो कि सनबेदिंग कर रहे थे। ये जो पानी में मूव कर रहा है वो है घड़ियाल, लंबे स्नाउट मतलब मुंह वाला घड़ियाल है। और राइट साइड में जो बैठा है वो है क्रोकोडाइल। इनके मुंह के शेप एंड साइज से इनको पहचाना जाता है।
सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं समर्थ बर्दिया एडवेंचर रिजॉर्ट, बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल में। जो जूस है हाँ। ये भी हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ साउथ में। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ इतना दो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम, लोकल जूस। ये हमारे यहाँ सर, यहाँ से जो खाता कॉरिडोर में आपको बोल रहा था, सो हमारे यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर डाउन में जाने के बाद, तो खाता कॉरिडोर में उस एरिया में 60% फॉरेस्ट में बेल के पेड़ है नेचुरली। तो वहाँ पे जो लोकल्स है उनके लिए WWF और नेपाल गवर्नमेंट ने एक परियोजना लॉन्च की कि आप कम्युनिटी फॉरेस्ट है वो, तो अपनी कम्युनिटी से जो नीचे गिर जाता है उसे सीजन में उठा के लेके आए और उनके लिए एक प्लांट खोल दिया, तो और इसको ब्रांडिंग करके ऑल ओवर नेपाल और बाहर भी जाता है। दिस इज वेरी हेल्दी। ये तो ये फुल्ली तो इस रिजॉर्ट में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सामने वॉच टावर बना हुआ है, आप ऊपर जाके यहाँ से बर्ड वॉचिंग, सामने ही जंगल है वहाँ पर आप एनिमल्स साइड कर सकते हो इफ यू आर लकी। ये सफारी जीप है जिसमें हम सफारी करने जाएंगे। तो सामने है डाइनिंग एरिया एंड बहुत ट्रेडिशनली यहाँ पर इसको बनाया गया है, दिखाते हैं आपको। अंदर से ऐसा दिखता है डाइनिंग एरिया। तो ये सामने कॉटेजेस हैं जिसमें हम रुके हुए हैं। ये है एक कॉटेज, एक ये, अभी अंदर से आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा है, ट्रेडिशनल वे में बनाया हुआ है, इसके ऊपर मड पेंट किया हुआ है और ऊपर ग्रासेस, जो ड्राई ग्रास होती है वो डाली हुई है। हाँ, रियली गुड। अंदर से ऐसा दिखता है कॉटेज और यह है वॉशरूम। वॉशरूम से भी आप नजारे ले सकते हैं। हम चल दिए हैं अपनी पहली सफारी के लिए और हम जा रहे हैं अभी बफर जोन एक्सप्लोर करने। यह है नेशनल पार्क का मेन एंट्रेंस गेट जहां हम कल जाएंगे। बफर जोन में आपको थारू ट्राइब्स मिलेंगे, यहां पर थारू ट्राइब्स ने खेती कर रखी है। तो हम एंटर कर गए हैं खाता कॉरिडोर में। खाता कॉरिडोर बर्दिया नेशनल पार्क और इंडिया के कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करता है। यहाँ से वाइल्ड एनिमल्स दोनों जंगल में मूवमेंट करते हैं। थोड़ा घूमने के बाद हम पहुंच गए एक ट्री हाउस पर जो रिसर्च और ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए यूज होता है। हमारे गाइड के अकॉर्डिंग ये राइनो और एलिफेंट्स को देखने का अच्छा व्यू पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ थोड़ा इंतजार किया। शाम होते ही हम रिवर बैंक के पास आ गए। शाम को जानवरों का मूवमेंट ज्यादा रहता है। हमने वहाँ रूडी शेल डक को स्पॉट किया। इनको इंडिया में ब्राह्मिनी डक के नाम से जाना जाता है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। विंटर सीजन में ये यूरोप से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेट करती हैं। सनसेट हो चुका था और हम एक एरिया में शांति से वेट कर रहे थे, तभी हमें वहां दिखे हॉग डियर्स जो कि बहुत अलर्ट थे। इनका नाम हॉग डियर इसलिए है क्योंकि ये जंगलों में झुक कर चलते हैं। जैसे दूसरे डियर छलांग मारते हैं, ये सिर को नीचे लटकाकर आसानी से जंगल में चल लेते हैं। हॉग डियर्स आज की डेट में एंडेंजर्ड हैं। शाम ढल चुकी थी और हम रिजॉर्ट की तरफ वापस चल चुके थे।
रास्ते में गजब की साइटिंग हुई। एक बर्ड जिसे बोलते हैं नाइट जार, ये ज्यादातर नेस्ट ग्राउंड पर बनाती हैं और रेस्ट करने के लिए रोड पर आ जाती हैं। ये बर्ड हमने फर्स्ट टाइम देखी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम नेशनल पार्क के कोर एरिया के अंदर जाने वाले थे। सुबह 7 बजे से ही हम गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे। इस नेशनल पार्क में सफारी मॉर्निंग टू इवनिंग होती है और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। किसी ने पॉली बैग नीचे डाल दिया था, उसको हमारे ड्राइवर ने उठा लिया। प्लीज रेस्पेक्ट नेचर और उसे गंदा ना करें। नए जंगल के रास्तों को समझते हुए और नेचर को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़े। और पहुंच गए लमकोली फाटा ग्रासलैंड में। इस नेशनल पार्क का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1969 में बर्दिया एक रॉयल हंटिंग रिजर्व था जहां पर ब्रिटिशर्स एनिमल हंटिंग करते थे। 1988 में बर्दिया को नेशनल पार्क घोषित किया गया। इस बर्ड का नाम है लॉन्ग टेल श्राइक, जो कि इसकी लंबी टेल की वजह से पड़ा है, और इसको हम प्यार से बैटमैन चिड़िया भी बोलते हैं। अभी हम हैं बगोड़ा ग्रासलैंड में। यहाँ पे राइनो साइटिंग्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम यहाँ जंगल के बीच में रुके हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे नदी बह रही है, ये देखने जा रहे हैं। बर्दिया ही ऐसा नेशनल पार्क है। वाओ, ये देखिए फ्रेश पॉपकॉर्न्स। यहाँ पर आशीष जी ने हमें झाड़ी के पीछे आने को कहा क्योंकि एनिमल्स को छुपकर ऑब्जर्व करना चाहिए। बर्दिया ही एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे वॉकिंग अलाउड है। आप वॉक करके जंगल घूम सकते हो जीप से उतर के। अच्छा आशीष भाई, हाउ इज द ब्रेड? बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द जंगल हम लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यू कैन सी द पराठा एंड सम पिकल्स, चटनी। द चटनी इसमें डालो, यार। टी, वी हैव टी एंड वो पर डालो। और मैडम शी इज हैविंग अ ब्रेकफास्ट इन ऑन द जीप। यू कैन सी द ऑल द ग्रासलैंड, बगोड़ा ग्रासलैंड। नाइस। एंड मी दीप,
I'm guiding here today. Great. Thank you. क्योंकि हमने टाइगर के फ्रेश पगमार्क्स देखे थे, तो ब्रेकफास्ट के बाद दीप के साथ हम रिवर साइड गए। व्यू बहुत शानदार है। और ये पीछे पूरा ग्रासलैंड है। और वहां सामने माउंटेन रेंज है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारे लक ने हमारा साथ दिया और हमें दिखा एक टाइगर रिवर क्रॉस करते हुए। वो धीरे से रिवर क्रॉस करके झाड़ियों में चला गया। हम बहुत ही खुश थे टाइगर देखने के बाद और हम वहाँ थोड़ी देर और वेट किए, बट कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के हम एक वाटर होल पे पहुंचे। यह कतुआ पॉन्ड, ये मैनमेड है, ये हाथों से बनाया गया है, नो मशीनरी यूज्ड। और उसके बाद हॉर्नबिल्स की साइटिंग हुई, जो कि पेड़ पे बैठकर इधर उधर कूद फान में लगी हुई थी। बर्दिया में अराउंड 49 सोलर पावर्ड वाटर होल्स हैं और बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। इससे ये पता चलता है कि एनिमल्स को यहाँ पानी की कमी नहीं होती है। उन्हीं में से एक वाटर होल के पास था एक बार्किंग डियर। देखते ही देखते लंच टाइम हो गया। हम आ गए इस स्टनिंग रिवर साइड व्यू पॉइंट पे, जो कि एक टाइगर टेरिटरी भी है। थ्रिलिंग लंच एक्सपीरियंस के बाद हमने वापस से अपना जंगल का सफर जारी किया। रास्ते में दिखा स्पॉटेड डियर। और एशियन एमराल्ड डव। जंगल के रास्तों को छानते हुए हमें गोल्डन जैकॉल दिखा। जैकॉल ज्यादातर अकेले या पेयर्स में रहते हैं। इनका खाना यूजली इनसे छोटे जानवर जैसे हेयर्स, स्मॉल डियर्स, ग्राउंड बर्ड्स, रेट्स वगैरह होते हैं। ये जंगल को साफ रखने में मदद करते हैं, क्योंकि ये स्केवेंजर्स होते हैं, मतलब ये बड़े जानवरों के किए हुए शिकार की बची हुई बॉडी मीट को भी खा लेते हैं। चकौल के एरिया से हम खदुआ ताल वापस आए तो हमें वहां रूडी शेल्डक का जोड़ा मिला। और थोड़े ही आगे बढ़े तो हमें एक बड़ा सांबर डियर खाना खाते हुए दिखाई दिया। आपको एक फैक्ट बताते हैं, सांबर डियर टाइगर का फेवरेट फूड होते हैं। घूमते हुए हम एक वाटर होल पर आए, जहाँ पे पेड़ पर चेंजेबल हॉक ईगल बैठी थी और पानी में नजर गड़ाई थी अपने शिकार को ढूंढने के लिए।
सफारी खत्म होने आ रही थी बट मन अभी भी नहीं भरा था और हम खाली हाथ नहीं लौटे क्योंकि लास्ट में हमें 12 सिंगा डियर भी दिखाई दिया। पूरा दिन पार्क में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मन कर रहा था थोड़ी देर और रुक जाए बट वो पॉसिबल नहीं था। बट एक्साइटमेंट अभी बाकी थी क्योंकि कल की पूरी सफारी हमारी बाकी थी।